टुडे इट्स ऑल अबाउट इंस्टेंट कॉफी। आज हम डेविडॉफ की तीन इंस्टेंट कॉफी का रिव्यू और कंपैरिजन करेंगे। लेट्स सी व्हिच आर दीज कॉफी। फर्स्ट डेविडॉफ फाइन अरोमा, सेकंड डेविडॉफ रिच अरोमा एंड द थर्ड वन इज एस्प्रेसो 57। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करें हम चेक करते हैं तीनों का टेस्ट कैसा है। तीनों कॉफी बन के रेडी होगी। वन बाय वन हम तीनों कॉफी को टेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्मूथनेस, रोस्टिंग, कैफीन कंटेंट एंड द इंटेंसिटी। इन बेसिस के ऊपर मैं आपको आउट ऑफ 100 इन सबके मार्क्स बताऊंगा। द फर्स्ट वन इज द फाइन अरोमा। गाइस स्मूथनेस की अगर बात करें तो आई विल गिव इट 100 आउट ऑफ 100। 100 में से पूरे 100 मार्क्स में इसे देना चाहूंगा। इंटेंसिटी और कैफीन कंटेंट की अगर हम बात करें तो इट्स स्कोर लाइक 50 आउट ऑफ 100। सो इट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स वेरी स्मूथ एंड आप दिन एक दिन के अंदर 2 से 3 कप इस कॉफी के पी सकते हैं। द सेकंड वन इज द रिच अरोमा। इसका फ्लेवर ना थोड़ा सा रिच है, लाइक कैफीन और पता लगता है कि आपने कुछ पिया है। अगर हम स्मूथनेस की बात करें तो आई विल गिव इट 80 आउट ऑफ 100। रोस्टिंग की बात करें तो फाइन अरोमा से ज्यादा इसकी रोस्टिंग हुई है कॉफी बीन्स की, एज टेस्ट में भी हमें पता लग रहा है। आई विल गिव इट 80 आउट ऑफ 100 एंड कैफीन कंटेंट एंड इंटेंसिटी की अगर बात करते हैं तो अगेन 80 आउट ऑफ 100। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द एस्प्रेसो 57। परफेक्ट ब्लेंड गाइस, आई मस्ट से अगर हम स्मूथनेस की बात करें तो जस्ट लिटिल लेस देन द फाइन अरोमा, आई विल गिव इट 70 आउट ऑफ 100। अगर रोस्टिंग की बात करें परफेक्टली रोस्टेड 100 आउट ऑफ 100। कैफीन की बात करें तो अमंग ऑल दीज थ्री इस कॉफी में सबसे ज्यादा कैफीन है। अगर आप दिन की एक कॉफी या दो कॉफी अपने आप को बूस्ट चार्ज करने के लिए पीना चाहते हैं, अगर आपको डार्क कॉफीज डार्क ड्रिंक्स पसंद है तो दिस इज कम्प्लीटली मेड फॉर यू गाइस। और मैं सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप इस कॉफी को दूध के साथ मिला के ना पिए। अगर आपको दूध के साथ मिला के पीनी है तो आई सजेस्ट कि आप रिच अरोमा में लें या फिर फाइन अरोमा में लें। अगर आप स्मूथ पीना चाहते हैं, काफी लाइट लेवल की कैफीन कंटेंट आप लेना चाहते हैं तो आप फाइन अरोमा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आप दिन की एक या दो ही कॉफी पीते हैं और आप एक हिट और स्ट्राइक के लिए पीना चाहते हैं और दूध के साथ, तो आप रिच अरोमा के लिए जाएं। अगर आप 1-3 वाइज मेरी पर्सनल रेटिंग जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं दूध वाली कॉफी नहीं पीता हूं, मैं ब्लैक कॉफी पीता हूं, अगर मेरी पर्सनल रेटिंग होगी तो आई विल गिव नंबर 1 द एस्प्रेसो 57 एंड नंबर 2 रिच अरोमा एंड नंबर 3 इज द फाइन अरोमा। थैंक यू गाइज, आई होप आप सबको मेरी वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी चूज करने के लिए कि कौन सी कॉफी आपके लिए परफेक्ट है। आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा, आपको लगा कि इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके काम आई चूज करने के लिए कि आपको कौन सी कॉफी अमंग दीज थ्री पीनी चाहिए, तो प्लीज हिट लाइक। अगर आप ट्रू कॉफी लवर हैं तो राइट डाउन योर कमेंट्स बिलो।